तो फ्रेंड्स यहाँ दरवाज़ा लगना है, यहाँ दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, तो ये सारा छत का पानी ये देखें यहाँ नीचे जा रहा है, यहाँ वहाँ किचन है तो किचन में अंदर जा रहा है पानी। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, वो हमारी चारपाई भीग रही है और ये पौधे वगैरह भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नहीं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो नीचे चलते हैं। मैं लेट से ला के आपको दिखाती हूँ, इस पर्दे से पानी अंदर आ रहा है। ये बाजार है, यहाँ विंडो लगनी है ना, तो इस वजह से ये पर्दा वगैरह डाला हुआ है, इस वजह से कि मिट्टी गर्द वगैरह गट्टा बारिश ना आए, इस वजह से फिर भी आती है, देखे ना बारिश आ रही है इधर से। और ये देखिए जी पानी यहाँ तक आ चुका है और ये आ रहा है पानी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसा आपको मैंने दिखाया कि रात को इतनी बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, रफ्तारी के बाद बारिश आनी शुरू हो गई। तो फिर तो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, बहुत बहुत ज़्यादा आपने शेयर करना है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स आप मेरी आईडी खोलने के लिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये लेने लगी हमें गोश्त, फ्रिज बंद कर दो मानो। आज हम आप ऊपर आ जाओ, आपने नहीं जाना बेटा ट्यूशन, चलो आ जाओ। फ्रेंड्स बहुत मानो और उम्र जा रहे हैं ट्यूशन और ये ना आप कह रहे हैं मैंने जाना सर। बोलो और वो लोग चले गए हैं ट्यूशन, हम करने लगे हैं गेट बंद। और आराम को मैंने ये पकड़ाया, ये खेल रहा है इसके साथ। आप ट्यूशन जाने वहाँ क्या करोगे? पढ़ना है कि ये ठीक करो, तो ये ना ये ठीक करो, ऐसे करके देखो, ऐसे ए, ऐसे अंदर आ जाओ ना, मैं आ जाओ ऊपर चले आ जाओ। ये बाजुओं के ऊपर कितना मच्छर वगैरह, ये देखिए बहुत हमारे घर में मच्छर है और मैं आपको दिखाती हूँ मच्छर किस वजह से है। मच्छर इस वजह से है, ये मिट्टी वगैरह है ना कमरे में, ये देखिए ये इसकी वजह से है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये गंद वगैरह पड़ा हुआ है ना, मिट्टी वगैरह, तो इस वजह से ये कमरा तैयार होने वाला है। ये देखिए तो इसकी वजह से ये यहाँ मच्छर वगैरह आ जाता है, तो ये कमरा हमें तैयार करना है। तो इसकी छत वगैरह भी चेंज करनी है, ये देखिए इसकी छत वगैरह भी चेंज करनी है। यहाँ से दीवार वो देखे ना फट गई है ना, ऐसा चीरा आ गया है, तो ये हमने प्लास्टर वगैरह करवानी है, ये देखिए प्लास्टर वगैरह करवानी है। और ये देखिए यहाँ फर्श वगैरह भी डालना है, अभी भर्ती वगैरह डालनी है, रोड़ी वगैरह डालनी है, तो बहुत काम है। अगर फ्रेंड्स सब सफाई है तो सब कुछ ठीक है, अगर सफाई नहीं है तो कुछ भी नहीं ठीक। इस गंदगी की वजह से मच्छर पैदा हो रहा है और इस यहाँ से ऊपर ऐसे चला जाता है, ऊपर जा रहा है मच्छर, तो मच्छर की वजह से हम बड़े परेशान हैं। मैं पंखा भी चलाना पड़ता है,
क्योंकि अगर सर्दी हो तो भी पंखा चलाते हैं, अगर मैट चला लगा लो तो भी वो मच्छर नहीं जाता। इस वजह से कोशिश है कि हम ये करवा लें, लेकिन जी बेटा आपको पता आमदनी किस सिर पे होता है, अगर इतनी आमदनी ना हो तो बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। अभी इनके तार वगैरह की शू वगैरह नहीं है, और ये देखें जैन उधर सो रहा है क्योंकि जैन को चोट लग गई है, इस वजह से वो सो रहा है, ट्यूशन नहीं गया। और ये चावल मैंने छुपा के रखे हुए हैं और हम चावल नहीं छोड़ता। आवाज़ में दे रहा है चावल बन रहे हैं, आलू गोश्त वाले चावल, और ये हम साथ बना रहे हैं रायता ये चटनी है। और जो आराम है वो जैन को तंग कर रहा है क्योंकि जैन को चोट लगी हुई है। ना तंग करो भाई को, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से चोट लगी हुई है मम्मा, इधर चोट लगी हुई है, उसे सोने दो। ये देखिए इसे चोट लगी हुई है, ये देखिए। और फ्रेंड्स ये हमारे चावल तैयार हो गए हैं, बोटी और आलू वाले चावल। ये देखिए तो जी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे तारी के लिए चावल तैयार हो चुके हैं, तो रायता भी बना लिया है, चावल भी बना लिया है। और जब ये देखिए, और जिस बहन भाई ने आके रफ्तारी करनी है वो आ सकता है, मेरे चैनल पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। और जिस बहन भाई ने रब्ता करना है वो कर सकता है, और जिस बहन भाई ने रफ्तारी बहन की घर करनी है वो कर सकता है। तो चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करनी है, और जब भी हम रफ्तारी करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह, अभी तो फूल वगैरह नहीं लगे, ये देखें फूल लगे हुए थे लेकिन सब झड़ गए हैं। ये देखें तो ये सारे भीगे हुए हैं, इसमें पानी बारिश का, ये देखें ना बारिश के पानी से ये भर गए थे, तो इस वजह से मैंने दोबारा पानी नहीं डाला। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पौधे, बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली अच्छी लगती है घर में भी। और आपको पता है जब मैं फ्री होती हूँ, फारग होती हूँ, फ्री तो होती नहीं हूँ लेकिन मैं इनके पास आके बैठ जाती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में बहुत ज़्यादा पौधे हों, फ्लावर हों, उनसे खुशबू आए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस अभी घर जब कम्प्लीट होगा ना तो फिर लेकर आएंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमने रफ्तारी की है तो बस साथ ही बारिश होनी शुरू हो गई है। तो ये देखें बादल वगैरह भी, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि रफ्तारी भी ऐसे भाग दौड़ में हुई है क्योंकि बारिश एकदम से ऐसे आ गई है। ये देखें बारिश फिर हो रही है, ये देखें बारिश, और ये देखें नीचे देखें, ये हम देखें बारिश बारिश पानी पानी आ गया, यहाँ मैंने साफ ही रखी है। ये देखिए फिर भी ये सारा ऊपर से पानी और ऐसे नीचे आ रहा है, ये देखिए ऐसे किचन में जा रहा है पानी। यहाँ दरवाज़ा वगैरह नहीं ना लगा इस वजह से, रात को भी बारिश हो रही थी और अभी भी हो रही है बारिश। ये देखिए फिर बारिश होनी शुरू हो गई है, ये देखिए हवा भी कितनी चल रही है। और ये चारपाई मैंने खड़ी नहीं की थी, इसे खड़ा करने आ गई हूँ। तो ये देखें जी नीचे चलते हैं, ये देखें जी नीचे बारिश काफ़ी तेज है, बारिश फिर होनी शुरू हो गई है। तो नाक्सुल आपने आपसे फिर मिलेंगे, अब फिर खुदा हाफिज़।